सिवान के आर्य समाज मंदिर परिसर में संगीत कला विकास परिषद के द्वारा बसंत महोत्सव और होली मिलन समारोह को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कई मुख्य अतिथि शामिल हुए और बच्चों द्वारा किए गए कार्यक्रम को काफ़ी सराहा। बताते चले कि संगीत कला विकास परिषद के संचालक रामानुज सर के द्वारा यह बताया गया कि इस तरह के कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हमारे संगीत कला परिषद में कराया जाता है, जिसमें बच्चे बच्चियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि होली मिलन समारोह और बसंत महोत्सव का आयोजन सिवान के आर्य समाज मंदिर परिसर में संगीत कला विकास परिषद के द्वारा कराया गया, जिसमें सिवान के तमाम बुद्धिजीवी लोग पहुँचे हुए थे और छात्र छात्राएँ भी पहुँची हुई थी, और कई छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसा प्रस्तुत किया कि लोगों का मन मोह लिया। तो आपको एक बार फिर से हम बता दें कि सिवान में बसंत महोत्सव और होली मिलन समारोह की धूम रही, जो कि आर्य समाज मंदिर परिसर में संगीत कला विकास परिषद के द्वारा कराया गया, जिसमें बच्चियों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए होली मिलन को लेकर के और बसंत महोत्सव को लेकर, जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से संगीत कला विकास परिषद के द्वारा बसंत महोत्सव और होली मिलन समारोह मनाया गया और कौन कौन से लोग मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार के साथ मंटू ओझा की रिपोर्ट। सबिका वैष्णवी, खुशी, अंजलि, सृष्टि, अनन्या, आयशा, आलिया, सिद्धरी, मात्री और अगमा। भारत की संस्कृति की सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए संगीत कला विकास परिषद परिवार की ओर से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बसंतोत्सव और होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम बड़े ही उत्साह से आयोजित किया जाता है और अपनी पुरानी परंपराओं को, जिससे हम अछूते होते जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा हम भारतीय संस्कृति को इस कार्यक्रम के द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि जो कार्यक्रम विलुप्त हो गए बसंतोत्सव और होली मिलन का, उसे पुनः हर समाज के व्यक्ति इससे जुटे। हमारी संस्कृति की पहचान होती है और संस्कृति की रक्षा के लिए होली महोत्सव का महान पर्व है। भारत अपनी संस्कृति के लिए ही विश्व में पहचाना जाता है, जिसमें होली भी एक है। इसके द्वारा हम आपसी भैर भाव को भूल करके हम एक दूसरे से मिलते हैं, जिसे एक सद्भाव और समाज में समरसता का प्रादुर्भाव होता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आर्य समाज मंदिर परिसर में संगीत कला विकास परिषद के नेतृत्व में ये बसंतोत्सव और होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भारतीय संस्कृति की एक छाप दिखाई देती है और भारतीय संस्कृति स्पष्ट हमें इसमें दिखाई देती है।
कुछ कार्यक्रम यहाँ पर? हाँ, आज दिन भर पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहेंगे, ठीक है, ये संध्या 4 बजे तक चलते रहेंगे। कार्यक्रम करते हैं और बहुत ही अच्छे से संपन्न होता है, जिसमें हम लोग होली का प्रोग्राम करते हैं, साथ में कथक का भी प्रोग्राम करते हैं, सब कुछ मतलब साथ में ही करते हैं हम लोग, और संपन्न बहुत अच्छे से होता है। समारोह आज समाज जो क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज कथक रखा गया है, उसके साथ वंदना है, फिर से वेस्टर्न भी है, क्लासिकल भी है, सारे गाने को कंपोज करके रखा।